इस वीडियो में हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक की बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम्स के बारे में बताया था और मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक की बात करेंगे, जो कि आपके एक्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक है। जब आपके पास बड़े बड़े ब्लॉक डायग्राम्स दिए जाएंगे तो आपको पहले उनको रिड्यूस करके छोटा बनाना होगा और फाइनली आप उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल पाएंगे। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक को पढ़ने से पहले हमको कुछ अजम्पशंस मानने होते हैं, जैसा कि सिस्टम जो है वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट विथ जीरो इनिशियल कंडीशंस होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब आप किसी ट्रांसफर फंक्शन को निकाल ही रहे हो तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसफर फंक्शन की कंडीशंस को तो ऑलरेडी फुलफिल कर रहा होगा, और ये तीनों कंडीशंस ट्रांसफर फंक्शन की ही कंडीशंस हैं। लीनियर होना चाहिए, टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए और जीरो इनिशियल कंडीशंस होनी चाहिए। तो ये हमको पहले से अज्यूम करना होता है जब भी हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहे होते हैं। सेकेंड कंडीशन होती है कि लम्प्ड पैरामीटर ही कंसिडर करोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड कंसिडर नहीं करोगे। लम्प्ड पैरामीटर वो पैरामीटर्स होते हैं जो आप उनको फिजिकली देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, गिन सकते हो, फील कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम नॉर्मल सर्किट्स देखते हैं, जैसा कि आप लैब में कोई सर्किट बनाते हो या फिर आप कोई सर्किट खुद डेवलप करते हो, तो उसके अंदर आप कंपोनेंट्स को खुद रखते हो तो आपको पता है कि हाँ यहाँ रेजिस्टर है, यहाँ कैपेसिटर है या इंडक्टर है। तो उन कंपोनेंट्स को देखना और फील करना ही वहाँ पर ये दर्शाता है कि आप यहाँ पर लम्प्ड पैरामीटर्स की बातें कर रहे हो। जबकि अगर हम ट्रांसमिशन लाइन्स की बात कर लें, पावर सिस्टम्स की बात कर लें, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको प्रैक्टिकली एक एक को गिनना और इस तरीके से देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब आप ट्रांसमिशन लाइन्स की बात करते हैं तो उसके अंदर तीनों पैरामीटर्स होते हैं आपके पास, रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है। तो लेकिन वहाँ पर आप देख नहीं सकते हो कि हाँ इस पॉइंट पर इतना है, इस पॉइंट पर इतना है। तो ये कंडीशंस ये बताती हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसका मतलब है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स के अंदर आते हैं। जैसा कि 100-200 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन हो गई तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स के अंदर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो हम यहाँ पर लम्प पैरामीटर्स की बात करते हैं, जिनको आप एक एक को अलग अलग गिन सकते हो, देख सकते हो। नो लोडिंग इन द सिस्टम। लोडिंग का मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब एक सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो हम इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर ये मानते हैं कि उस सिग्नल के द्वारा कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। जो सिग्नल आपका आउटपुट निकला है एज इट इज़, वही सिग्नल आपका दूसरे ब्लॉक में इनपुट के तौर पर जा रहा है। ना तो उसके अंदर कुछ गेन हुआ है, ना कुछ लॉस हुआ है, एज इट इज़ सिग्नल जा रहा है, कोई लोडिंग नहीं है उसके अंदर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। ये मैं आपको पहले ही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको रूल्स बताऊँगा तो आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि हमको किस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर रूल्स को अप्लाई करना है। तो जैसा कि आपको ये वाला एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, अब आपको कहा जाएगा कि इस एग्जाम्पल के अंदर आप इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप निकालिए या सिंपल भाषा में ट्रांसफर फंक्शन बताइए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी आपको अगर मैं ऐसा दे दूं और रूल्स नहीं बताऊं तो आपको इसमें बिल्कुल भी, आप इसके अंदर एक सिंगल स्टेप भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो कि ये अगर इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो क्लोज लूप वाले के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप फंस जाओगे इसके अंदर। तो इसके अंदर हम कुछ सेट ऑफ रूल्स लगा करके इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको सारे रूल्स एक वन बाय वन बताने वाला हूँ। इसके अंदर वही सारे एलिमेंट्स हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जैसा कि यहाँ पर समिंग एलिमेंट है, यहाँ पर समिंग एलिमेंट है, ये ब्लॉक्स लगे हुए हैं, ये टेक ऑफ पॉइंट है, ये टेक ऑफ पॉइंट मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी टेक ऑफ पॉइंट है, यहाँ पर भी टेक ऑफ पॉइंट है, ये जो है ये फॉरवर्ड पाथ है, ये जो है ये फीडबैक पाथ है, ये भी फीडबैक पाथ है, ये भी फीडबैक पाथ है। ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करी थी। जो पहला रूल है वो है कि अगर दो ब्लॉक सीरीज में लगे हों तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, दो ब्लॉक जब आपके पास सीरीज में लगे हों तो आप इन दोनों के गेन को मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात आपको क्लियर है? यहाँ पर अगर मैं इन दोनों के गेन को मल्टीप्लाई करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली मैं ये लिख सकता हूँ G1S इंटू G2S, ये CS हो गया, ये आपका RS हो गया। इतनी बात क्लियर है? अगर मैं इसके प्रूफ की बात करूं तो आप क्या निकालेंगे, CS अपॉन RS, यही तो इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो जब अगर मैं इस CS अपॉन RS को मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, अब CS अपॉन RS के अंदर अगर मैं R1S और R1S का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, इन दोनों को कैंसिल आउट करके दोनों इक्वल है। अब सी वन एस अपॉन आर वन एस, यहाँ से आप देखेंगे तो सी वन एस अपॉन आर वन एस मस्ट बी इक्वल टू जी टू एस, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जी टू एस इंटू आर वन एस अपॉन आर एस, आर वन एस अपॉन आर एस मस्ट बी इक्वल टू जी वन एस, सो ये जी वन एस के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास सी एस अपॉन आर एस है, तो ये जो चीज़ है ये आपकी एग्जैक्टली यही है जो मैंने इस ब्लॉक के अंदर लिखी है, ये आपका प्रूफ है इसको। तो ये छोटे छोटे प्रूफ्स होंगे, इनको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये मेन चीज़ है कि जब भी दो ब्लॉक सीरीज में लगे हों आप उन दोनों के गेन को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो आपको एक सिंगल ब्लॉक मिल जाएगा। अब अगर आपके पास मान लीजिए बहुत सारे ब्लॉक्स इस तरीके से लगे हुए हैं, ये मान लीजिए ये सारे ब्लॉक्स आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हैं और इनका कुछ गेन है, ये कुछ गेन है इनका, तो अब अगर मैं यहाँ पर एक टेक ऑफ पॉइंट लगा दूँ तो क्या अभी भी आप इनको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे? नहीं, इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे कि ये जो तीनों ब्लॉक सीरीज में है इन तीनों ब्लॉक्स के गेन को मल्टीप्लाई कर देंगे, जी वन जी टू जी थ्री हो जाएगा और एक सिंगल ब्लॉक यहाँ पर आप बना सकते हो। यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट है इसलिए इन दोनों ब्लॉक्स को आप सीरीज में कंसिडर नहीं करेंगे, इन दोनों ब्लॉक्स को अलग से कंसिडर करेंगे। तो जी फोर और जी फाइव दोनों एक ब्लॉक बनेगा, यहाँ पर वन टू थ्री एक ब्लॉक बनेगा और बीच में टेक ऑफ पॉइंट ऐसे एज इट इज रहेगा। अब आप आगे कुछ और रूल्स लगा करके इस टेक ऑफ पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन इन दोनों को आप सीरीज में कंसिडर नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर है? नेक्स्ट जो रूल है वो है कि जब कुछ ब्लॉक्स पैरेलल में कनेक्टेड हों तो आप उनको कैसे रिड्यूस कर सकते हो। जब भी ब्लॉक्स पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो आप उनको एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं, मतलब जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं या कैस्केड लगे होते हैं तब तो आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं उनके गेन को, लेकिन जब पैरेलल होता है तो एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पैरेलल और एल्जेब्रिकल थोड़ा सिमिलर सा लग रहा है, तो आप इस चीज़ से इसको याद कर सकते हो। इसका मतलब है कि इन तीनों गेन्स को हम ऐड कर देंगे, है ना, यहाँ पर जो भी होगा उसको हम इस सिग्नल्स के थ्रू देख लेंगे कि क्या सिग्नल का साइन है, उसके अनुसार यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो जी वन जी टू जी थ्री सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जी वन एस यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जी टू एस यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, तो जी थ्री एस इस तरीके से हो जाएगा। पैरेलल ब्लॉक्स में भी वही कंडीशन सेम यहाँ पर आ जाएगी कि अगर आपके पास यहाँ पर अगर कोई टेक ऑफ पॉइंट लग रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई टेक ऑफ पॉइंट लग रहा है, तो आप इन तीनों को फिर एल्जेब्रिकली नहीं सॉल्व करेंगे। आप इन दोनों को तो कर सकते हो लेकिन इसको नहीं कर सकते क्योंकि बीच में टेक ऑफ पॉइंट आ गया है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी होगी जब आप सॉल्व करेंगे एक्चुअल में। तो पैरेलल ब्लॉक्स को हम इनके साइंस के थ्रू एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं, जो भी साइन होगा वो हम लगा करके इनको एड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर है? तो दो रूल मैंने आपको बता दिए हैं, एक सीरीज में एक पैरेलल में। तीसरा रूल हमारे पास होगा कि जब भी कोई टेक ऑफ पॉइंट, देखिए यहाँ पर एक टेक ऑफ पॉइंट मैंने यहाँ पर बता रखा है, ये टेक ऑफ पॉइंट अगर हमको इस ब्लॉक से पहले लेकर के जाना है तो एक्सेस वाला जो टेक ऑफ पॉइंट है अगर हम इसको पहले लेकर के जाएं जी एस से, क्योंकि ऐसे चेंजेस हमको करने पड़ेंगे सॉल्व करने के लिए, उसको इजी बनाने के लिए, तो इसको अगर मैं पहले लेके जाऊं तो क्या चेंज होगा, किस तरीके से करना है, ये आपको थोड़ा दिमाग अभी लगाना पड़ेगा। देखिए एक चीज़ आप माइंड में फिट कर लीजिए कि जब भी हम कोई टेक्निक लगा रहे हैं, कोई रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो आउटपुट है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। जो सी एस की जो अभी वैल्यू है यही रूल अप्लाई करने के बाद भी सी एस की वैल्यू सेम रहेगी। तो अभी सी एस की क्या वैल्यू है? सी एस की वैल्यू है सर आर एस इंटू जी एस। सी एस की वैल्यू यहाँ पर सिंपली आर एस इंटू जी एस है। एक्सेस की क्या वैल्यू है? एक्सेस की सेम वैल्यू है आर एस इंटू जी एस। तो ना तो एक्सेस की वैल्यू चेंज होगी ना सी एस की वैल्यू चेंज होगी इस टेक्निक को अप्लाई करने के बाद। तो अब हम कोशिश करते हैं कि टेक ऑफ पॉइंट को पहले लाने से क्या होता है। देखिए ये हमारा जी एस हो गया, यहाँ पर हमारे पास सी एस हो गया और यहाँ पर हमने टेक ऑफ पॉइंट को लगा दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर हमने टेक ऑफ पॉइंट को लगा दिया, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक्सेस को ले लिया, तो हम इस आउटपुट की वैल्यू अगर देखें तो ये अपने पास आएगी आर एस इंटू जी एस। तो यहाँ पर आर एस इंटू जी एस, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही वाली आउटपुट वैल्यू यहाँ पर आ गई। लेकिन क्या यहाँ पर आपको एक्सेस की वैल्यू भी आर एस इंटू जी एस मिल रही है? नहीं मिल रही, क्योंकि आर एस जो है यही सिग्नल इधर आ गया है, अभी जी एस से तो क्रॉस ही नहीं हुआ है ना, तो इस टेक ऑफ पॉइंट की वैल्यू वो नहीं है जो पहले थी। तो आपको कुछ चेंज करना होगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्या चेंज करेंगे, एक अपनी तरफ से एक ब्लॉक ऐड करेंगे जिसका गेन आप देंगे जी एस, और फिर आप इसको बाहर ले सकते हैं और आप इसको एक्सेस बोल सकते हैं। अब इस एक्सेस की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो होगी आर एस इंटू जी एस। तो इस तरीके से जब भी आपको किसी टेक ऑफ पॉइंट को किसी ब्लॉक से पहले ला करके लगाना है तो उसके अंदर अपनी तरफ से एक ब्लॉक ऐड करना है और उसका गेन जी एस दे देना है, जो भी उससे पहले वाला जो ब्लॉक होगा, जैसा कि यहाँ पर जी एस था तो यहाँ पर भी आपको जी एस लगा देना है। और ये चीज़ याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी इसके अंदर लॉजिकली सोच सकते हैं कि इस एक्सेस की वैल्यू अगर आर एस जी एस मुझे बनानी है तो मुझे एक जी एस तो ऐड करना ही पड़ेगा। चलिए इस वाले रूल को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। जब भी किसी टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के बाद अगर लगाना है, जो पहले मौजूद है उसको बाद में अगर लेकर के जाना है, तो क्या चेंज करना होगा ये हमको यहाँ पर देखना है। तो देखिए सी एस की जो वैल्यू है वो क्या है, आर एस जी एस है, कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। एक्सेस की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सिंपल आर एस है, यहाँ पर इस बार जी एस नहीं है क्योंकि ये जो आर एस है यही यहाँ पर आ रहा है। तो जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ नए पैटर्न में, तो उसमें क्या चेंज आने वाला है, देखिए सिंपली आपको क्या करना है, जी एस यहाँ पर लगाया, यहाँ से आपने सी एस ले लिया, यहाँ से आर एस जो इनपुट था वो आपने दे दिया। अब एक टेक ऑफ पॉइंट जो पहले था इसको इस बार मुझे बाद में लगाना है, मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपको एक्सेस लिखनी है, लेकिन एक्सेस क्या वही आउटपुट है जो आपके पास पहले था? पहले क्या था, सिंपल आर एस था। तो यहाँ पर अगर मैं आउटपुट देखूँ तो मेरे पास क्या आएगा, आर एस इंटू जी एस, तो आर एस इंटू जी एस यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा, लेकिन ये तो मेरा आउटपुट नहीं है, मेरा आउटपुट तो सिंपल आर एस है। तो मुझे इस जी एस को एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल 1/GS से एक ब्लॉक बनाना है और यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब इस आउटपुट की वैल्यू देखिए, आर एस इंटू जी एस, आर एस जी एस इंटू 1/GS, जब इस 1/GS से इंटू कर देंगे तो ये GS/GS कैंसिल आउट होकर के आर एस मिल जाएगा, और ये आर एस दोनों सेम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अब आपका ये ब्लॉक डायग्राम जस्टिफाइड है, आप ये चेंज कर सकते हो। तो टेक ऑफ पॉइंट की ये वाली बात समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट जो रूल है वो है समिंग, समिंग पॉइंट या समिंग एलिमेंट। जब भी आप किसी समिंग एलिमेंट को किसी ब्लॉक से पहले शिफ्ट करना चाहते हो तो उसके अंदर क्या चेंज करना होगा, अब ये चीज़ें आपके लिए आसान होनी चाहिए। मैंने आपको पिछले एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से समझाया है, तो ये आपके दिमाग में इसकी पिक्चर अपने आप बननी चाहिए। अब तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, सी एस का आउटपुट देखना है, क्या आउटपुट आ रहा है, देखिए आर एस जी एस माइनस एक्सेस, ये टेक ऑफ पॉइंट नहीं है, ये समिंग एलिमेंट है, इसके अंदर इनपुट आ रहा है, तो एक्सेस का जो साइन है वो क्या है, माइनस है। तो आपके पास सी एस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, आर एस जी एस माइनस एक्सेस, ये आपके पास आउटपुट है। ठीक है, तो ये आउटपुट जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली यही रहनी चाहिए आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी, ऐसा ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ये ब्लॉक कंसिडर कर लिया जी एस, अब आपके पास है बिफोर अ ब्लॉक, समिंग पॉइंट को पहले लेकर के आना है जो कि बाद में था, तो ये मैं पहले ले आया इसको, और यहाँ पर मैंने ये इनपुट दिया आर एस, यहाँ पर मुझे सी एस मिल रहा है, सी एस की वैल्यू एग्जैक्टली मेरे पास यही होनी चाहिए, आर एस जी एस माइनस एक्सेस। तो क्या यहाँ पर ये वैल्यू मिल रही है, ये आप एक बार क्रॉस चेक कीजिए, आर एस अगर मैं यहाँ पर एक्सेस देता हूँ माइनस की वैल्यू का, ये लीजिए एक्सेस अगर मैं यहाँ पर देता हूँ तो क्या मुझे यही मिलेगा, देखिए आर एस माइनस एक्सेस इंटू जी एस, अभी मुझे ये मिलेगा आर एस माइनस एक्सेस, ये दोनों कंबाइंडली इससे इंटू होंगे और आपको ये मिलेगा। इसका मतलब है
आर एस जी एस माइनस एक्स एस जी एस, ये आपका आउटपुट होगा जो कि इससे बिल्कुल डिफरेंट है। एक टर्म ज़्यादा आ रही है यहाँ पर, जी एस ज़्यादा आ रहा है, तो आपको इस जी एस को रिमूव करना है। जब इस जी एस ऊपर वाले जी एस को रिमूव करना है तो अल्टीमेटली मुझे एक डिनोमिनेटर में जी एस चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि 1/GS से डिवाइड ये वाला ब्लॉक यहाँ पर लगा दूंगा, और फिर मैं यहाँ पर इनपुट दूंगा एक्स एस। तो अब ये क्या बनेगा आपके पास, अब इसी इक्वेशन के अंदर अगर आप फिट करेंगे तो आपके पास होगा एक्स एस अपॉन जी एस, देखिए आर एस माइनस एक्स एस अपॉन जी एस, मतलब यहाँ पर आप जी एस लगाइए, एक्स एस अपॉन जी एस इंटू जी एस। तो जब आपके पास ये होगा तो एक जी एस नीचे भी होगा, तो ये जी एस से जी एस कैंसिल आउट होकर के आपके पास अल्टीमेटली ये आपका आउटपुट हो जाएगा आर एस जी एस माइनस एक्स एस, और ये एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी समिंग एलिमेंट को किसी ब्लॉक से पहले लेकर के आ रहे हैं तो आपको डिनोमिनेटर में मतलब 1/GS से एक ब्लॉक ऐड करना है और आपको आउटपुट सेम मिल जाएगा। तो ये जस्ट टेक ऑफ पॉइंट के उल्टा है, जब आप टेक ऑफ पॉइंट को पहले लेकर के आते हो तो आप सिर्फ जी एस वाला ब्लॉक ऐड करते हो, जब आप समिंग पॉइंट को पहले लेकर के आते हो तो 1/GS ऐड करते हो। एग्जैक्टली इस वाले एग्जाम्पल में भी उल्टा होगा, टेक ऑफ पॉइंट जब आप किसी ब्लॉक के बाद लेकर के जाते हो तो आपको 1/GS से एक ब्लॉक ऐड करना होता है, और जब आप समिंग एलिमेंट को लेकर के जाओगे तो सिंपल जी एस को ऐड करना होगा। तो जब आप इस समिंग एलिमेंट को इधर लेकर के जाएंगे, यहाँ पर भी आप ये लगा सकते हैं कि इधर लेकर के आ रहे हैं, उसी तरीके से टेक ऑफ पॉइंट में भी एरो लगा सकते हो, तो इस सी एस का आउटपुट आपके पास अभी क्या आने वाला है, अभी इसको हम देखते हैं। देखिए ये होगा हमारे पास आर एस माइनस एक्स एस इंटू जी एस, ठीक है। तो अब आप इसको बाहर लेकर के आइए, ये आपने इनपुट दिया, ये हमारे पास ब्लॉक आया जी एस, यहाँ पर मैंने समिंग एलिमेंट लगाया और ये मेरा सी एस है। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले बता ही दिया है कि इसके अंदर क्या होने वाला है, ये आपके पास आया ये सी एस, वो मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक्सेस दे दिया नेगेटिव, तो आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है आर एस जी एस माइनस एक्सेस, लेकिन ये इससे अलग है सर, एक जी एस वैल्यू और चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पर जी एस से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास एक्सेस हो जाएगा। तो अब आप जब आउटपुट देखेंगे तो एग्जैक्टली यही वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अब ये बहुत सिंपल हो जानी चाहिए आपके लिए चीज़ें। देखिए नेक्स्ट रूल ये है कि जब भी आपके पास दो समिंग एलिमेंट एक साथ लगे हों, मतलब सीरीज में लगे हों, तो आप उनको इंटरचेंज कर सकते हो, क्योंकि आउटपुट में आपके पास कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। जैसा कि इसके अंदर अगर मैं आउटपुट देखूँ तो मुझे आउटपुट मिल रहा है एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये मेरा आउटपुट आ रहा है इस वाले फिगर का। अगर मैं इन समिंग पॉइंट्स को इंटरचेंज कर दूं, ये दोनों सीरीज में हैं, बीच में ना कोई टेक ऑफ पॉइंट है ना कोई ब्लॉक लगा हुआ है, तभी आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये सी एस हो गया, यहाँ पर मैंने जेड लगा दिया पॉजिटिव साइन के साथ, यहाँ पर मैंने वाई लगा दिया नेगेटिव साइन के साथ, और यहाँ पर मेरे पास एक्स है। अब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस जेड माइनस वाई इज इक्वल्स टू सी एस, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट में और इस पॉइंट में कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमिनेटिंग फीडबैक लूप। इस रूल के अंदर कुछ भी नहीं है, ये फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था जब क्लोज लूप सिस्टम आपको बताया था कि जब भी आपके पास ये जो फीडबैक सिग्नल होता है, जो फीडबैक साइन होता है, इसका जस्ट उल्टा साइन आपको लगाना होता है जब भी आपको इसको एलिमिनेट करना होता है। तो आपके पास सी एस अपॉन आर एस वहाँ पर क्या मिल रहा था, आपको मिल रहा था सर जी एस अपॉन 1 प्लस माइनस जी एस एच एस। ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस दोनों अपोजिट होते हैं, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं। तो जब आप ये लगाएंगे तो इसका मतलब है कि जी एस एच एस वाले इस पूरे टर्म को आप हटा सकते हो, एक से एक ब्लॉक आपको यहाँ पर लगाना है, सिंपली आप एक ब्लॉक यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हो, जिसके अंदर ये वाली पूरी वैल्यू आप यहाँ पर फिट करेंगे और इस तरीके से आपको सी एस और ये आपका आर एस हो जाएगा, ये नीचे वाला फीडबैक लूप हट जाएगा, इसका मतलब ये होता है।
तो जब भी पॉजिटिव सिग्नल होगा तो आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे, जब नेगेटिव सिग्नल होगा तो आप यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है इस रूल के अंदर ये बताया गया है, शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ समिंग एलिमेंट। इसका मतलब है एक टेक ऑफ पॉइंट को जब मैं समिंग एलिमेंट के बाद लेकर के जाऊंगा तो मेरे पास क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, एक्स प्लस माइनस वाई, एक्स प्लस माइनस वाई, जेड तो ये जो एक्स है ये तो टेक ऑफ पॉइंट है, तो इसकी वैल्यू तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा। अब इस टेक ऑफ पॉइंट को मुझे इस समिंग पॉइंट के बाद लेकर के जाना है, तो मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए सिंपली सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, एग्जैक्टली जो आपको दे रखा है उसको आप बना दीजिए। टेक ऑफ पॉइंट को बाहर ले आए, ये लीजिए, अब ये एक्स जो वैल्यू है ये एक्स ही रहनी चाहिए, ये वाली जो एक्स प्लस माइनस वाई है ये एक्स प्लस माइनस वाई ही रहनी चाहिए, ये चेंज नहीं हो सकती है। तो एक्स और यहाँ पर जो आपने दिया ये दिया आपने प्लस माइनस वाई, ठीक है ये दे दिया प्लस माइनस वाई, तो इस वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इस टेक ऑफ पॉइंट में चेंज हो रहा है क्या। देखिए एक्स प्लस माइनस वाई, टेक ऑफ पॉइंट की वैल्यू भी एक्स प्लस माइनस वाई आ रही है, तो भैया चेंज तो हो गया, तो आपको ये चेंज नहीं चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर ऐसा कुछ करना है कि ये वापस से एक्स बन जाए, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आ रही है ना, यहाँ पर भी एक्स प्लस माइनस वाई मिलेगा आपको, तो आपको क्या करना है कि इस वाई को रिमूव कर देना है, मतलब उल्टे साइन से इसको दे देना है, तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो। यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ कि ये वाला जो वाई है इसको यहाँ पर माइनस प्लस के तौर पर दे देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक्स मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास आया एक्स प्लस माइनस वाई, ये वाला जो सिग्नल है ये मेरे पास इधर आया, मैंने इसको यहाँ पर इनपुट दिया, यहाँ पर माइनस प्लस वाई के साथ इसको सम किया, तो मेरे पास ये वाला वाई और ये वाला वाई दोनों कैंसिल आउट हो गए और एक्स बचा, और एक्स ही मुझे चाहिए था। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है कि टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट से पहले लेकर के जाएंगे तो आपको क्या चेंज फील होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, टेक ऑफ पॉइंट निकाल लेना है, ये आपके पास समिंग एलिमेंट हो जाएगा और ये आपका आउटपुट हो जाएगा। अभी टेक ऑफ पॉइंट का आउटपुट क्या था, एक्स प्लस माइनस वाई, एग्जैक्टली यही आउटपुट होना चाहिए बाद में भी, यहाँ पर प्लस माइनस है यहाँ पर एक्स है। चलिए अभी यहाँ पर इसका आउटपुट जो है वो सिंपल एक्स हो रहा है, इसका मतलब एक मुझे प्लस माइनस वाई ऐड करना है, तो यहाँ पर ऐड कर दो ना सर, ये तो आपके हाथ में, आपको मैंने एक ही चीज़ बताई है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आउटपुट सेम रखना है, आप अंदर कुछ भी करो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये एक्स प्लस माइनस वाई आपको मिल जाएगा जब आप यहाँ पर एक प्लस माइनस वाई का समिंग एलिमेंट के साथ इनपुट दे देंगे, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। तो भैया ये 10 रूल थे जो आपको समझना बहुत ज़रूरी था, मैं फटाफट से आपको सारे रूल्स रिकैप करा देता हूँ। देखिए पहला रूल था, दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब सीरीज में कनेक्टेड हों तो भैया उन सबके गेन्स को मल्टीप्लाई करके एक ब्लॉक बना सकते हो, बशर्ते आपके बीच में कोई भी टेक ऑफ पॉइंट समिंग एलिमेंट जैसी कोई चीज़ बीच में नहीं होनी चाहिए। समिंग एलिमेंट और टेक ऑफ पॉइंट को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको आगे वाले रूल्स में बताया ही है, तो यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिंपल इस तरीके से होगा तो आप यहाँ पर इन सभी के गेन्स को मल्टीप्लाई करके लिख एक ब्लॉक में लगा सकते हो। ब्लॉक्स इन पैरेलल, जब भी ब्लॉक्स पैरेलल में होंगे तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, वो उनके साइन पर डिपेंड करता है, लेकिन आप इनको एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे। तो G1S प्लस G2S आप इस तरीके से एक ब्लॉक में लिख सकते हैं। तीसरी बात है, जब भी किसी टेक ऑफ पॉइंट को किसी ब्लॉक के बाद में लेकर के जाना है तो मुझे क्या करना है, वहाँ पर 1/GS का एक ब्लॉक ऐड कर देना है ताकि मेरे आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जब भी किसी टेक ऑफ पॉइंट को पहले लेकर के आना है तो GS का एक ब्लॉक ऐड कर देना है ताकि फिर से आउटपुट सेम आ जाए। ये दोनों जो चीज़ें हैं समिंग पॉइंट में चेंज हो जाती हैं, समिंग पॉइंट में जब आप समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक के बाद लेकर के जाते हो तो जीएस का मल्टीप्लाई कर देते हो, और जब आप समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक से पहले लेकर के आते हो तो 1/GS का मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन फॉर क्लोज लूप सिस्टम,
जब आप इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहते हो, या फिर ऐसा कह दूं कि फीडबैक एलिमेंट को या फीडबैक पाथ को रिमूव करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर सिंपली जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना मैंने आपको बताया, वो चीज़ लगा करके यहाँ पर आप इसको लगा सकते हो, एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हो। या ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि कई सारे ब्लॉक डायग्राम्स में आप यूज़ ले सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो इस एच एस को बाहर ले लिया, इसका मतलब है 1/HS कर देना है, और यहाँ पर आपको GSHS कर देना है। अब ऐसा हमने क्यों करा वो हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, जब आप इसको देखेंगे तो आउटपुट आपका एग्जैक्टली वही आएगा जो कि इसका आउटपुट आ रहा था, ये वाला। तो आप जब 1/HS से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आपका देखिए क्या आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना, जैसा कि आप फीडबैक हटाते हैं, तो आपके पास होगा GSHS अपॉन 1 ± GSHS। इस तरीके से आपको इसका एक ब्लॉक बन रहा है। तो इसमें ये HS वाली जो टर्म है ना, ये एक्स्ट्रा आ रही है, इस वजह से हमने 1/HS का एक ब्लॉक ऐड करा था, जिससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको GS/1 + GSHS मिल जाएगा, जो कि आपका नॉर्मल आउटपुट होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बोला कि आपकी कोई भी दो समिंग एलिमेंट जब एक साथ कनेक्टेड हों, तो आप उन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई उसके अंदर चेंज नहीं होगा। शिफ्टिंग, टेक ऑफ पॉइंट, ये दोनों जो हैं, ये दोनों दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो कि बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन बहुत इफेक्टिव होते हैं जब भी आप इनको यूज़ करते हो। शिफ्टिंग, टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर समिंग एलिमेंट, तो इन दोनों को जब आप टेक ऑफ पॉइंट को किसी समिंग पॉइंट के बाद लेकर के जाते हैं, तो आप वहाँ पर एक समिंग एलिमेंट आपको ऐड करना होता है, और उसके अंदर आपको देखना होता है कि मुझे कौन सा इनपुट सिग्नल देना है ताकि मेरा आउटपुट एग्जैक्टली वही मिल जाए। तो यही सारे स्टेप्स थे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई कि रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं। जो मैंने आपको शुरू शुरू में जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, वो क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करने का ट्राई करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करने का ट्राई करना है। इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि सबसे पहले आप इन दोनों ब्लॉक्स को सॉल्व करेंगे, जो आपका फीडबैक लूप को हटाने वाला जो फॉर्मूला था उसके साथ आप इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि अब मुझे क्या करना है, फिर आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, आप इन दोनों समिंग एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। उसके बाद इन दोनों को जब आप इंटरचेंज कर लेंगे, तो ये वाला जो सिग्नल है ये यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब है ये और ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये हट गया, ये हट गया, इन दोनों सीरीज में आ जाएंगे, दोनों सीरीज में सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद ये रह जाएगा, इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से सॉल्व करके इसका आंसर आपको निकालना है। अगर निकलता है तो बहुत बढ़िया, नहीं निकलता है तो नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा। और अगर निकल भी जाए तो भी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताने वाला हूँ। हमारी वेबसाइट पर अभी आप कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्विज वहाँ पर आपको मिल जाएंगे।